नमस्कार, आप देख रहे हैं के साथ मौजूद है शांति रतन फाउंडेशन में। और आज शांति रतन फाउंडेशन कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रही है। आपको बता दें, ये पहला ऐसा अवसर है जब शांति रतन फाउंडेशन कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया है। हालांकि इससे पहले सारे त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाती आ रही है, लेकिन आज से जन्माष्टमी का भी त्योहार अब मनाना शुरू करेंगे। और आज चर्चा बर्थडे भी है, एक साल हो गया है उसको नशे से दूर रहकर, आज उसका बर्थडे भी है। मतलब दो चीजें एक साथ मिली है, इसको एक सहयोग भी कहा जा सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पे यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति लगा दी गई है, फूल मालाएं से सजा दिया गया, पूरा वातावरण एकदम कृष्णमय हो गया। शांति रतन फाउंडेशन के बच्चे आयोजन करेंगे और आज के दिन उन्होंने जो सोचा है वो करेंगे। शांति रतन फाउंडेशन आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है, उसको बड़ी धूमधाम से मना रहा है, तो क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं, हम तो क्या ही है करने वाले, ऊपर वाले का है सब कुछ, उनका जन्मदिन है, हम बस शिद्दत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और आज आपके जो सेंटर में कविता नाम की जो लड़की है उसको अभी प्रथम रिकवरी डे मनाया जा रहा है, इससे और आज के दिन जो त्योहार है उसको क्या संयोग मात्र है या आज का दिन चुना गया है? नहीं, उस बच्ची ने 17 तारीख को अपने एक साल पूरे किए थे, आज का दिन बहुत शुभ है, कृष्ण जी का जन्मदिन भी है, तो हमने सोचा चलो एक ही साथ बच्चे को भगवान का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। और बड़ी मेहनत करके उसने एक साल पूरे किए हैं, सबकी बात मानकर, बहुत कष्ट झेल करके, इसके लिए हम सबको गर्व है। जगह जगह धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ पर किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करेंगे? हमसे जितना करा जा रहा है हम कर रहे हैं, कोशिश तो पूरी यही है कि धूमधाम से मनाया जाए, प्रसाद बांटा जाएगा, अच्छे से हवन होगा, पूजा होगी, उनका झूला झूलाया जाएगा, लड्डू लाल। हमने यहाँ पर कृष्ण जी और राधा जी और मीरा जी के कैरेक्टर के कुछ लोग हैं जो रोल प्ले भी तैयार किए हैं, डांसेस होंगे, परफॉर्मेंस होंगी। आपके यहाँ पे हर धर्म के बच्चे आते होंगे यहाँ पे, तो आप क्या सारे धर्मों के त्यौहार मनाते हैं या केवल हिंदू धर्म के ही त्यौहार? बिल्कुल सही बात कही है आपने, हमारे यहाँ हर धर्म के लोग होते हैं और हम हर एक किसी की रिलीजियस भावना की कदर करते हैं, इसलिए शायद ही कोई ऐसा त्यौहार है जो हमारे यहाँ छूटता है, चाहे वो ईद हो, क्रिसमस हो, गुरुपूरब हो, सारे के सारे त्यौहार इतनी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं हमारे यहाँ। लगातार शांति रतन फाउंडेशन दिन पर दिन उन्नति के शिखर को चूमता नजर आता जा रहा है, और ये आगे कहाँ तक जाने वाला है? बहुत आगे जाने की सोच है और चाहते हैं कि ऐसे ही बच्चे ठीक होते जाएं, हमें और मोटिवेशन मिलती रहे, इससे बड़ी मोटिवेशन हमारे लिए और कोई है नहीं कि हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं। और जैसे जैसे बच्चे ठीक होते जाएंगे वैसे वैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शांति रतन फाउंडेशन में आ नहीं सकते, लेकिन उनके पेरेंट्स और उनकी खुद की इच्छा होती है कि वो नशे से दूर हो जाए, क्या मैसेज देंगे आप उनको? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बच्चे आ नहीं सकते, हमारा बहुत नाम है ऊपर वाले की कृपा से, बहुत जगह एडवर्टाइजमेंट है, जो जो लोग हमारे तक पहुँचते हैं, आज तक कोई खाली तो गया नहीं है, हमने सबको ही एडमिट किया है और जितने लोग आएंगे हम जरूर एडमिट करेंगे। शांति रतन फाउंडेशन आज से कृष्ण जन्माष्टमी का भी त्योहार धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे? ये कोई शांति रतन फाउंडेशन के लिए नई बात नहीं है, हर त्योहार, हर धर्म, हर जगह वो आगे बढ़कर ही काम करता है। जब हम एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं तो वहाँ पे सब धर्मों के लोग आते हैं और सब धर्मों का आदर करना ये शांति रतन फाउंडेशन का काम। वो बच्ची ने काफ़ी मेहनत की है अपनी इस रिकवरी को पाने के लिए और उसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का हाथ है, मुस्कान का, इंद्रजीत जी का, और भी उसके बीच में कुछ सीनियर्स थे जो यहाँ से चले गए हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है उसकी रिकवरी में। और आज उस बच्ची ने ये साबित कर दिया कि अगर नशे से दूर हुआ जा सकता है, उसको ये समझ आई कि उसकी ज़िंदगी कैसे ख़त्म हो गई थी नशों के कारण, और आज वो एक नए रास्ते पे निकल पड़ी है। क्या मैसेज देंगे आज के दिन? मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा कि अगर कविता छोड़ सकती है नशा, तो दुनिया का कोई व्यक्ति भी नशा छोड़ सकता है, सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति चाहिए और उसको मदद लेनी पड़ेगी, बिना मदद के नशा नहीं छोड़ा जा सकता। मैं कविता एडिक्ट, शांति रतन फाउंडेशन में मेरा एडमिशन हुआ था। नशा छोड़ने के बाद मेरी लाइफ ना बहुत बहुत चेंज हो चुकी है, पहले क्या थी अब मैं क्या हूँ, आज देख रही हूँ अपने आप में चेंजेस, लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, ऑल थैंक्स टू इंद्रसेन विप्र सर, मुस्कान दी, जो भी मेरे साथ रहे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। पहले के हिसाब से आज मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, कोई डिफिकल्टी इतनी नहीं है, मैं अपनी लाइफ को बिना नशे के जी पा रही हूँ। मेरा सभी था, अल्कोहल भी था, मेरा गांजा चरस सब कुछ था, इवन स्मैक, चिट्टा, ये सब था। आज मैं उन सब के बिना रह के देख रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में,
और हमेशा इन सबके आभारी रहूंगी। मेरा नाम मुस्कान है, मैं शांति रतन फाउंडेशन का ही एक पार्ट हूँ, फीमेल वार्ड संभालती हूँ यहाँ पर। इंद्रजीत सिंह यहाँ के डायरेक्टर हैं और हमारे यहाँ से एक बच्ची आज ही एक साल अपना पूरा किया है उसने, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे रॉक बॉटम से वो निकली है, काफ़ी कुछ उसने फेस किया, लेकिन वो सब फेस करके एट दी एंड आज उसने एक साल पूरा कर ही लिया है और आगे भी जिस हिसाब से उसकी ग्रोथ है वो आगे बढ़ती रहेगी। मेरी ब्लेसिंग्स उसके साथ है। सेकंड थिंग कि हम लोग आज पहली बार जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं शांति रतन फाउंडेशन के अंदर, तो हमारा मोटिव रहता है हर त्यौहार को सेलिब्रेट करके उनको ये सिखाएं और दिखाएं कि वो नशे के बिना इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो इसी रीज़न से हम लोग यहाँ पर सारे त्यौहार इंजॉय करते हैं और हमारे सर इंद्रजीत सिंह जैसे अपनी फैमिली को छोड़कर वो अपने सारे त्यौहारों को हमारे साथ ही इन्हीं बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करना ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो इसके लिए भी उनको थैंक यू है। हेलो, मैं योगेश। ये आज हम शांति रतन फाउंडेशन में भगवान कृष्ण कन्हैया, जिसे हम कान्हा भी कह सकते हैं और इस जगत को रचने वाला कहते हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं बेसिकली। लेकिन एक और खूबसूरत बात है, इसी सेंटर से क्लियर हुई और एडिक्शन से फ्री हुई बच्ची जो है कविता, आज उसका भी बर्थडे हम मना रहे हैं यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी बात है। और शांति रतन फाउंडेशन ऐसे अच्छे काम करता रहता है, इसलिए हम हमेशा उसके साथ हैं। विंदर बाबा कॉन्ग्रेचुलेशंस, शांति रतन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका बर्थडे है जय हो कृष्ण कन्हैया की जय हो। क्या बनी है आज? हम कृष्णा बने हैं। क्या पार्ट निभाएंगे कृष्ण का इसमें? आज तो मैं डांस करने वाली हूँ राधा के साथ और बाकी हमारा और भी डांसेस हैं। क्या कहेंगे? उन्होंने तो हमेशा वो हमारे साथ रही हैं, तो बहुत ही प्यारी हैं, सिखाया बहुत कुछ है उन्होंने। हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी एन एडिक्ट एंड आज हम शांति रतन फाउंडेशन में आए हैं कविता का रिकवरी बर्थडे मनाने, जो जिन्होंने एक एक दिन कर 1 ईयर पूरा किया है। एंड ऑल्सो वी आर सेलिब्रेटिंग विद ऑल द पेशेंट्स एंड द फैमिली एंड ऑल द गेस्ट ऑफ SRF द जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।